फैंस व्लॉग। सो गाइस आज फादर्स डे है तो हैप्पी फादर्स डे आप सभी के पापा को मेरे तरफ से भी, और मुझे भी कुछ खास करना ही होगा पापा के लिए यार। क्या करूँ मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी मुझे रील्स तो और शॉर्ट्स भी डालना होगा फादर्स डे का। सो क्योंकि मैंने व्लॉग तो अभी अपलोड कर दिया है, बाकी व्लॉग मैं सोची थी आज फादर्स डे का डालने का, लेकिन आज ही फादर्स डे, आज कैसे डालूंगी, कल डालूंगी ना व्लॉग, तो आज आप लोगों के लिए शॉर्ट्स आ जाएगा। और मैं क्या करूँगी क्या नहीं, आप लोग व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। गरम करके ले आए हैं, बाकी मम्मी मुझे दे रही है कचौड़ी और ये मेरी बहन के लिए छूर रहे। फिर से बोलो तुम्हारा। तो क्या हम कॉपीराइट लगा लेंगे अपने चैनल पे? खुद को बुद्धि होना चाहिए ना तेरे को यार। सो गाइस देखो इसमें भुजिया डाल दिया, आलू डाल दिया है, इसको चूर दिया मैंने एकदम मस्त, एकदम गर्मा गर्म, मजा आने वाला खा के। मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। क्योंकि बाहर से केक मंगवाऊँ, लेकिन मैंने सोचा बाहर से तो मैं हमेशा ही हर फंक्शन में केक ही मंगा लेती हूँ, इस बार खुद बनाया जाए यार। मेरे से बनता नहीं है बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी फिर से, एक बार ट्राई करते हैं क्या पता बन जाए अच्छा। तो चलो यार मैं ओवन है ना, मम्मी पता क्या किया देख रहे हो खिड़की से बहुत धूल आता है, मम्मी क्या है ना समेटो मेट के अंदर रख दे। मम्मी लोगों का काम होता है ना यार, चलो इसको अंदर रख देते घुसा के सब कुछ, पर ऐसे तो और रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो अब पापा को बोलूँगी कि इसको बाहर ही रहने दे। पापा हम ओवन निकाल रहे हैं, इसको बाहर ही रख देंगे अब, ठीक है? ओवन निकाल रहे हैं बाहर रख देंगे वरना ख़राब हो जाएगा पड़े पड़े। चलो पापा तो मान गए हैं, चलो इसे खोलें। उफ ये बहुत ज़्यादा गंदा है, मेरे पे झड़ जाएगा सब गंदा, तो उसमें निकाल लेते हैं। पापा रख दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी भारी था, इसलिए अब ये यहीं पे रहेगा, ठीक है पापा? अच्छा लग रहा था ऐसे। और मैं पहन रही हूँ ये वाली प्यारी सी टी शर्ट, साथ में हाफ पैंट पहनूंगी, घर पे हूँ। खाने के लिए मैंने हाफ पैंट और टॉप वेयर कर लिया है, और अब चलिए बताती हूँ क्या। नहाना धोना तो हो गया है यार, अब केक बनाना है जाके। देखो ऐसे मुझसे बनता नहीं है बट फिर भी हम ट्राई करते रह सकते हैं, और क्या करेंगे क्या, तो चलो ट्राई करते। एक्चुअली मेरा केक तो बन जाता है, बस वो जो बेक टाइम होता ना ओवन में वो नहीं हो पाता। मुझे समझ आता मेरे ओवन में बेक कैसे होगा, क्योंकि कन्वेक्शन एंड कन्वेंशन मोड दोनों साथ में दिया हुआ है, तो समझ नहीं आ पाता। तो चलो चलते हम लोग किचन में, बनाते हैं। ओवन का कवर लगा दिया है, बहुत ही सुंदर प्रिंट में ओवन का कवर है, ये मोर बना हुआ है ना, अच्छा लग रहा है ना। पापा कहाँ है? मम्मी हम बना रहे केक। केक बनाएगी? हाँ अच्छा सर, तुम नहीं बनाते? अरे बेक नहीं हो पाता, बेक आप कर देगा बोलो हम बना देंगे, हमको नहीं वही, हमको भी बेक करना नहीं आता है। ठीक है चलो देखेंगे बनता है जैसा, देखते हैं। ठीक है आज पहली बार चिल्लाई नहीं, वरना चिल्लाती। तो मम्मी आपको भी नीचे चलना होगा साथ में, क्योंकि मेरे को सामान नहीं पता कौन सा कहाँ है। चलो कुछ इस अलमारी में जचा के रख दिया था यार, कुछ मिल नहीं रहा था, इतना मुश्किल से मैंने निकाला ऐसा। तो मैं ये वाली साइज का बना रही हूँ मीडियम, और इसको रख दूंगी इसके अंदर। और कप मैंने ये सब ले लिया है क्योंकि इसमें नाप दिया हुआ है, देखो सब कुछ, तो इजी रहेगा मेरे लिए। धो लिया है, गंदा हो गया होगा, अब इसको पोंछ लेते हैं पहले। सो गाइस अभी इसमें से दही निकालेंगे फ्रिज से। दही कौन सा है मम्मी? दूध के पीछे कैसे रखा हुआ फिर सामान। सो गाइस मैंने दही ले लिया है, बाकी यार यहाँ पे जूस के बॉटल दिखा दूँ, पूरा अच्छे से भरा हुआ है मम्मी और पापा और सबके लिए। बाकी बॉटल ना कोका बॉटल ये तो खत्म हो गया मम्मी, थोड़ा सा है कि इसमें, एक बार इसको रखते दे रहा हूँ। अभी निकालना है वेनिला एसेंस वगैरह, ये हमें बेकिंग पाउडर भी चाहिए, बेकिंग पाउडर निकाल दिया मैंने, ये है हमारा वेनिला एसेंस, ये भी चाहिए। इसमें दूध, इसमें हमें डालना है 1 टेबल स्पून, इसमें हमें क्या डालना था, नींबू, नींबू का जूस है ना, और इसमें 1/4 कप डालना है ऑयल, और इसमें 1 टेबल स्पून क्या डालना था मम्मी, 1 टेबल स्पून क्या डालना था, वेनिला एसेंस, इसमें हमें वेनिला एसेंस डालना है। तो पहले मैं ये सब डाल देती हूँ, क्या इजी होगा बनाने में। दूध ये चलेगा कि गर्म करना पड़ेगा? नहीं ये दूध गर्म है, वो पानी रहेगा। पहले साइज के हिसाब से डाल देते ताकि इजी होगा। देखो इतना दूध डाल दिए,
अब इसमें हम लोग फ्राई कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग को वन एंड वन टेबल स्पून क्या डालना था हमें, नींबू। नीचे नींबू रस उधर कोना में, कौन सा जूस का डब्बा? हाँ ये हिला के मेरे जूस का डब्बा में नींबू का रस डाल दिया। देख रहे हो मम्मी ने जूस का डब्बा का यूज़ किया, इसमें नींबू का रस डाल दिया। गिराना मत, तो इसमें मैं डाल रही हूँ। नीचे ढक्कन, नीचे पर ढक्कन लगा तो चूल्हा नीचे ढक्कन लगा ना तेल का। अरे यार आपको नया तेल का ला के दिया, लगा नहीं सकता है क्या तेल का नीचे ढक्कन लगा? सच में नया वाला डाल दूंगा नया में यार। हम जा रहे हैं ऊपर, लोग गंदा यूज करेंगे। देखो देखो किसको उठा रही है, ऊपर का ढक्कन ही नीचे रख लो तेल में। हाँ इसमें रख, इसमें रख लो, हाँ इसमें रख लो बस। 1/4 कप ऑयल डालेंगे, बट ध्यान रहे सरसों का तेल वगैरह मत डाल देना। देखो मैंने 1/4 कप डाल दिया। डालेंगे वैनिला एसेंस, देखो इसमें हम लोग तैयार करेंगे। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स एक एक करके हम डालेंगे, तो पहले हमें ये डालना था, नहीं ऑयल तो नहीं था, ऑयल अपन का ये नंबर पे था। तो पहले अपन डालेंगे 1.5 कप मिल्क, देखो मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम डालेंगे, नहीं गिराए हैं, लेमन 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिला देंगे। कैसे करें जल्दी, डालेंगे 1/4 कप ऑयल, आवाज आ ही रहा है। उसके बाद हम डालेंगे वेनिला एसेंस, और उसके बाद हम उसको अच्छे से मिला लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। सवा चीनी इसमें है, तो हम लोग इसमें 1.5 कप देखो चीनी भर ली। मम्मी ने रखा था तो मैंने 1.5 कप अब चीनी डाल रही हूँ उसमें। देखो मैंने चीनी डाल दिया है उसमें, मैंने इसमें मिला दिया। मैंने मैदा ले लिया है और चलनी ले लिया, इसी में हम लोग छान देंगे इसको। देखो ऐसे डाल दिया है मैंने उसको, अब इसको हम लोग अच्छे से छान लेंगे। मैंने छान लिया है, मम्मी का डांट सुनते सुनते गुस्सा देख रहे हो उनकी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे करके इसको मैंने मिला लिया है। देखो ये देखो बेकिंग पाउडर डालना है, ये देखो हमारा बेकिंग पाउडर। चलो डाल, बेकिंग पाउडर हमने इसमें डाला, अब और क्या डालना बताते हैं। हम लोग डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल दिया था, देखो बेकिंग सोडा भी डाल दिया है। फिर से हम मिल्क डाल रहे हैं, ये देखो ठंड गया देख सकते हो, तो सब कुछ मुझे सामना होगा। मम्मी यहाँ पे बैठ के गुस्सा कर रही है। इसमें रखो सब, डब्बा में रख, डब्बा में रख, सत्तू रखो सत्तू। हाँ बंद करो, बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ रखो फ्रिज में, फ्रिज में नीचे वाला खान में जा रखा हुआ था। ऑयल लगाएंगे, हमारा जो बैटर है तैयार हो गया है। अच्छा से चम्मच से निकाल,
लोग उसको ऊपर लेके जाएंगे बेक करने के लिए। हमारा रेडी हो गया बहुत मुश्किल से। डांट सुनने के बाद ये है रेडी। चलो अब देखते हैं बेक होता है कि नहीं, वरना और डांट पड़ेगी। रीहीट करना होगा ताकि हमारा जो केक है वो अच्छे से बने। बहुत चिल्लाती है ये। सो गाइस फाइनली केक को हम लोग ओवन पर रख रहे हैं। भगवान जाने इसका क्या होने वाला है, बट सी क्या हुआ कुछ पता नहीं। अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा तो मम्मी करंट नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, करंट नहीं लगता है। रखो रखो अंदर अच्छा से, डर लग रहा। बीच में रख, बीच में करके डाल दिए। बंद कर दे, बंद कर दो। अब 10 मिनट का लगा दिया, 10 नहीं आधी घंटे का लगा दिया। हां बंद कर दो। मैंने टाइमर लगा दिया था, ये 30 मिनट्स का देखो अभी टाइम है। बाकी ये थोड़ा फूलना स्टार्ट हुआ है। इसको प्री हीट किया पहले, उसके बाद मैंने ऐसे किया है। पता नहीं क्या होगा, डोंट नो। हंसी आ रहा है आपको? भगवान मालिक है। देखो सोचा एक तो बना, मम्मी ने इसको छेदा कर दिया है बहुत सारा। पता नहीं क्या काटने का जरूर, जल्दी एकदम से निकालो, उल्टा कर दो मम्मी इसको। पते जन्म में निकलेगा कोई पता नहीं है, अता पता कुछ है नहीं इसका। तो गाइस ये लेकर आई है मस्सा। ये मलाई का ब्रेड सेक कर लाई है। ये कैसा मम्मी, मतलब ये जला नहीं है मम्मी? मलाई वाला ब्रेड खाएंगे अब हम लोग। बहुत तेज दुख रहा है मम्मी, गंदा मांस मलाई निकल रही है। करेंगे मस्त। यही हमारा खाना है नाश्ता। पापा तो सो के आए, देख रहे हो। हमारा केक रेडी है। कैसा है? अच्छा है। अच्छा बना है? सच में अच्छा बन गया। काफी सॉफ्ट भी, बस ये फूला नहीं है। तो पहले भोग लगा देते भगवान के। नहीं लगाए मम्मी, छू दी। चलते हैं अब। गाना मत बजा देना अभी आप। ये लो, हैप्पी फादर्स डे। आज फादर्स डे है यार। केक काट लो ना बाबा, हम लोग खाएंगे। पुड़िया तू गो, तू गो, तू गो। कुछ ला के ला के तो तेरे ऐसे केक बनाई है घर के, तो बढ़िया काट लेते। इससे दिल मत, जरूरी है क्या कुछ लाना हमेशा? तो हम लोगों को भी इंतजार रहता है। मैंने बेटे ला के दे दिया हम लोगों को। मम्मी आपको तो बहुत ही लाते, आप चुप रहो। तो आलू सही क्या होता है यार? ठीक है जाएंगे तब लेके आएंगे। और ये काम कर रही है, इसका माथा दुख रहा है, तेज से चपटी हुई है पूरा। चपटन ए चपटन, पापा का डेस्क में चप्पू थी तो चपटन ए पापा काटेगा। टोपी नहीं अच्छा लग रहा है, टोपी के बिना अच्छा लग रहा है। टोपी मत पहनना आप हमेशा, टोपी पहन पाएंगे टोपी बनाएगा क्या सबको? टॉफी आ जाओ, आ जाओ। ठीक है मत आओ। Happy Father's Day to you. 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 May God bless you. May God bless you. Happy Father's Day to you. कोई बात नहीं, अब हम भी खिला दे रहे हैं। अरे रुको मम्मी रुको, हमको खिला दो। पापा इसको काटो तो हम खिलाए आपको। कितना अच्छे से काट रहे पापा, देखो। मम्मी होती ना तो चम्मच से इधर उधर करके तोड़ दी होती मेरा। ये लो, कैसा बना है केक? अच्छा बना है सच में। क्या बनाएंगे हम? आप सोच रहे थे क्या बनाना है? मम्मी पापा कह रहे कि हम सोच रहे थे क्या बनाना है, तो हम सोच लिए बैठे से। बारिश आ गया यार, बारिश आ गया पापा। बीच के बना लेगा तो आप? बारिश का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। और अभी गिफ्ट बाकी है पापा को देना, बट देंगे हम दूसरे दिन, मतलब आज लेके आऊँगी और गिफ्ट दूँगी पापा को।